आज जो हमारा लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन और फंक्शन को हम डिफाइन किस तरह करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन तो कुछ और है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर मैं आपको फंक्शन को समझा रहा हूँ वो एक बाइनरी रिलेशन के लिहाज समझाऊंगा। तो इसलिए मैंने डिफाइन किया हूँ यहाँ पर फंक्शन को, वो रिलेशन के लिहाज से ही किया हूँ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है। जिस स्टूडेंट को बाइनरी रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 5 को देखे और वहां बाइनरी रिलेशन को समझे, उसके बाद वो इस लेक्चर को देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन बआसानी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर कि फंक्शन किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते हैं। यानी कि जितने भी रिलेशन बनते हैं उनमें से हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उनमें से कुछ खास ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन कहलाएंगे। वो खास रिलेशन कौन से होंगे, किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। कोई भी रिलेशन उस वक्त फंक्शन होगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है, जो उस रिलेशन का डोमेन होगा, मतलब डोमेन ऑफ आर जो होगा वो बराबर किसके होगा, ए के। यहां पर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं जो डिफाइन करूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को वो ए टू बी करूंगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो डोमेन ऑफ आर है वो बराबर होना चाहिए फर्स्ट सेट के। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई रिलेशन इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम फंक्शन कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो सेट लेता हूँ। सेट नंबर ए, इसमें क्या बोलता हूँ, ए बी सी इसके एलिमेंट है, और एक सेट में लेता हूँ बी जिसके एलिमेंट क्या है, एक्स और वाई। तो सबसे पहले हम सेट को बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह बनाया जाता है, तो सबसे पहले ये ए कोमा एक्स स्क्वायर बनाएगा, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, देन बी कोमा वाई, सी कोमा एक्स, देन सी कोमा वाई। फॉर एग्जाम्पल ये ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, और बी कोमा वाई, देन सी कोमा एक्स एंड सी कोमा वाई। इनमें से मैं क्या करता हूँ, कुछ रिलेशन को पिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंसीडर सम रिलेशंस, और उन रिलेशन से उन एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल में फंक्शन होता है क्या है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन चार रिलेशन लिया है, एक आर वन, एक आर टू, एक आर थ्री और एक आर फोर। इन चार एग्जाम्पल में से मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले बताता हूँ किसके बारे में, R1 के बारे में। R1 के जो एलिमेंट्स है वो है a कॉमा एक्स, b कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, देन c कॉमा एक्स। तो इसका जो डोमेन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो इस रिलेशन में जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है a, b और c। यानी के a, b और C यहाँ पर डोमेन है। आप कहेंगे कि दो A जो है दो बार लिखा हुआ है, तो सेट के अंदर आप जानते हो कि हम किसी भी एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिख सकते हैं। तो उस A का मतलब है हम उस A को एक ही बार लिखेंगे, एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। यानी कि इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि सबसे पहले मैं ध्यान करूँ कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन ऑफ आर वन बराबर है ए बी सी के। यानी के जो डोमेन ऑफ आर वन है ये हमारे पहले सेट के बराबर है। आप देख सकते हैं जो हमने सेट लिया है वो क्या लिया है, ए क्रॉस बी, और जो हमारा सेट है ए वो ए बी सी है। यानी कि जो डोमेन ऑफ आर वन है वो ए बी सी है, मतलब वो ए के बराबर है। यानी कि हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हमें दिख रहा है क्लास के यहाँ पर जो a है वो टू टाइम्स रिपीट है, और मैंने क्या कहा कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकता। अगर रिपीट
कनेक्ट होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो देखिए ए टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा आर वन है ये फंक्शन नहीं कहला सकता। इसकी मिसाल मैं आपको डायग्राम से दू तो जो ए साइड है हमारा वो ए बी और सी है और जो बी साइड है हमारा वो एक्स है और वाई है। तो यहाँ पर जो ए एसोसिएट कर रहा है ये ए एक्स को भी एसोसिएट कर रहा है और यही ए वाई को भी एसोसिएट कर रहा है। तो इसकी मिसाल मैं आपको यू दू कि अगर ए बी सी किसी स्कूल के स्टूडेंट है वो किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट किसी एक क्लास में इंटर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट एट द सेम टाइम दो क्लास को रिप्रेजेंट करे या दो क्लास में इंटर हो। अगर वो स्कूल में आएगा तो एक ही क्लास में आएगा। इसी तरह से अगर मैं ए को स्टूडेंट कहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ए एक्स में भी जाए और यही ए वाई में भी जाए। इसीलिए कहते हैं कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीट होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा आर वन है वो फंक्शन नहीं है। सेकंड आते हैं आर टू पर, ए कॉमा एक्स बी कॉमा वाई देन सी कॉमा एक्स। इस आर टू पर डोमेन है वो ए बी सी है, मतलब डोमेन ऑफ आर टू बराबर है ए के, मतलब ये रिलेशन भी हमारा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जो उसका डोमेन है वो फर्स्ट सेट के बराबर है मतलब ए के बराबर है। चेक करते हैं क्या ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एनी एलिमेंट्स डू नॉट रिपीट, इसके जो भी एलिमेंट्स है इसके जो भी डोमेन के एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। देखें ए एक ही बार है, बी एक ही बार है और ये सी एक ही बार है, इसका मतलब है कोई भी डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। उसका मतलब जो आर टू है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसका डोमेन जो है वो पहले सेट के बराबर है मतलब ए के बराबर है और उसके कोई भी डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ आर टू है वो हमारा फंक्शन है। उसको मैं आपको एग्जाम्पल दू कि ए बी और सी है और जो ए बी सी एसोसिएट कर रहा है ए एक्स को एसोसिएट कर रहा है, ये बी वाई को और ये सी बी एक्स को। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे यानी कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में इंटर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, एक से ज्यादा क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब ये ए जो है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी जो है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सी जो है एक्स स्टूडेंट कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई भी दो स्टूडेंट सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आर टू भी हमारा फंक्शन है। इसी तरह हम चेक करते हैं आर थ्री को। तो जो आर थ्री है हमारा इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक ए कॉमा एक्स है और एक बी कॉमा वाई है। इसकी जो डोमेन है वो ए और बी है और आपको दिख रहा है स्टूडेंट ये ए और बी फर्स्ट सेट के बराबर नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आर थ्री हमारा फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कोई भी रिलेशन उस वक्त फंक्शन होगा जब उसका डोमेन बराबर होगा फर्स्ट सेट के, यहाँ पर मतलब ए के, और कोई भी एलिमेंट्स उसके रिपीट नहीं होंगे। तो ये जो डोमेन है ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। और देखें ए बी सी, ये सी जो है किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में इंटर हो स्कूल में इंटर हो और वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट ना करे, वो बाहर तो बैठने से रहा। इसका मतलब ये है कि अगर उसका एडमिशन हुआ है तो किसी न किसी क्लास में इंटर लाजमी होगा, लेकिन ये सी की कोई भी क्लास नहीं है तो इसलिए इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। लास्ट जो हमारे पास आर फोर, ये ए कॉमा एक्स बी कॉमा एक्स और सी कॉमा एक्स, इसकी डोमेन है वो ए बी सी और ये ए बी सी बराबर है ए के, यानी कि ये भी जो रिलेशन है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आर फोर है इसका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्या कंडीशन?
कि जो उसका डोमेन है डोमेन ऑफ आर फोर है वो पहले सेट के बराबर है, मतलब यहाँ पर ए के बराबर है। और चेक करते हैं क्या ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ए बी और सी, इसका मतलब कोई भी डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब हर वो रिलेशन के डोमेन अगर वो रिपीट नहीं होगा तो फिर उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं सेकेंड कंडीशन के लिहाज से। उसका मतलब ये है, इसको ग्राफ से देखेंगे, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और सी भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। अभी मैंने आप लोग बताया कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक स्टूडेंट डिफरेंट क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो बात मैं कर रहा हूँ इस लिहाज से बिल्कुल ये ठीक है, ये ए भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सी भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो आर फोर है वो भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो उसका मतलब ये है कि आर वन हमारा फंक्शन नहीं है, आर टू हमारा फंक्शन है, आर थ्री हमारा फंक्शन नहीं है और आर फोर हमारा फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको इस एग्जाम्पल से फंक्शन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आए स्टूडेंट पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक करें।